हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि टीवी हमारी ख़राब हो चुकी है, तो इसको बनवाने के लिए लेकर जा रहे हैं चद्दर में लपेट के बांध कर। तो क्योंकि बेटा मेरा बहुत परेशान है बिना टीवी के, तो बनवाना लगता ज़रूरी है, तो इसलिए इसको बांध कर ले जा रहे हैं टीवी को बनवाने के लिए। और हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, तो ये देखिए ये गाड़ी पर रख कर ले जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में यानी कि ना बैठने की जगह हो पा रही थी और ना पकड़ने की जगह हो पा रही थी, जबकि मैंने बोला भी था कि गाड़ी पर नहीं जा पाएगा। तो फिर इसके बाद ई रिक्शा को बुलाया गया है, तो ई रिक्शा से लेकर जाएंगे बेटा, मेरा बेटा लच्छ और दोनों लोग जा रहे हैं, बाप बेटा दोनों लोग जा रहे हैं टीवी को बनवाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबू को लच्छ को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है बिना टीवी के। तो चलिए अब हमको करना है काम। कितना गंदा हो रखा है, देख रहे हो आप? ये देखिए, ये इधर भी बहुत गंदा हो रखा है, तो ये सब जगह मेरे को साफ करना पड़ेगा। चलिए आप लोग यहाँ बैठिए। और फिर बाप बेटा को जाने के बाद मैं सफाई में लग गई थी, थोड़ी देर आराम की थी, फिर इसके बाद सफाई करने लगी थी, क्योंकि आप लोगों को जिस जगह टीवी रखी थी वो एरिया मैंने दिखाया, वो बहुत गंदा हो रखा था, हद से ज़्यादा गंदा हो रखा था। क्योंकि होता क्या है, ट्राली हटाने में या उसके नीचे साफ़ करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो पर्डे तो हो नहीं पाता है, तो कभी कभी होता है। और वहाँ साफ मतलब वहाँ कपड़े से पोंछने के बाद फिर यहाँ चद्दर वगैरह मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि आज तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं था, तो केवल खाना बनाया था, बस दाल चावल और सब्जी बनाई थी, आलू परवल की भुजिया बनाया था। तो मतलब जब टीवी लेकर चले गए थे, फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम करने लगी हूँ। तो चलिए मैं काम करती हूँ।
बहुत गर्मी लग गई यार, इतना गंदा तो बहुत ढेर सारा कूड़ा निकला है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा जाला भी लगा हुआ था, कैरम रखा था, कैरम भी गंदा हो चुका था। तो मैंने सबको झाड़ के अच्छे से साफ किया, प्यास लग गई, पानी पी लूँ। अब आई हूँ किचन में। किचन में ये देखिए, ये मेरे को ये बर्तन लगाने हैं, बर्तन धोने भी हैं। ये देखिए, ये बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोने भी हैं, ये बर्तन खाली भी करना है, सारे काम अभी पड़े हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ फटाफट। चलिए फिर, आप लोग बैठिए, ठीक है, मैं बर्तन धोकर अभी आती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था मुझसे कि आप लहंगी और कुर्ती में पहन कर काम करिए, तो बताइएगा कैसी लग रही है मेरी लहंगी कुर्ती। ये मैंने पहन ली है, और ये है मेरी गायत्री दीदी और ये है मंजू दीदी। काफी दिनों के बाद आई है मेरी मंजू दीदी, बुआ की बेटी है ये। और ये है मेरी गायत्री दीदी, जिनसे तो झगड़ा बहुत होती है, इनसे बहुत झगड़ा होती है, लेकिन है भी बहुत प्यारी, बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ा करती है। तो चलिए अभी हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में।